कन्या बोल रही थे, आपके सामने अपने दो छोटे छोटे टीएलएम प्रस्तुत करना चाहूंगी। जनरली क्या होता है, हम लोग बोर्ड पे कोई चीज अवधारणा बताते हैं तो बच्चे उतनी जल्दी नहीं ग्रहण करते, लेकिन खेल खेल में शिक्षा और करके सीखने वाला जो सिद्धांत हम लेके चलते हैं उसके तहत ये दो छोटे छोटे टीएलएम मैंने बनाए हैं। बहुत फिनिशिंग नहीं है, फिर भी काम मतलब बहुत ही है। एक ये सबसे पहला मैंने जो बनाया है, इसमें कक्षा एक और दो के बच्चों के लिए बहुत हेल्पिंग होगा, क्योंकि ये जोड़ की अवधारणा आप जैसे देख रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है जोड़, तो एक सामान्य सी चीज होती है, थोड़ा सा वर्किंग है तो एक हेल्पिंग होती है। ये है और जनरली बच्चों के पास गोलियां होती हैं, तो हम सामान्य रूप से कहेंगे एक बच्चे से बेटा यहाँ से दो गोलियां डाल के और यहाँ से भी दो गोलियां डालिए। अब उसके बाद हम कहेंगे तुमने यहाँ से दो गोली डाली और यहाँ से दो गोली डाली, हम निकाल के देखो कितनी होगी, तो दो और दो मिला के ये चार हो गई। चाहे जो भी नंबर वो अज्यूम करे, एक दो चार छह, छोटे बच्चों को एक से नौ तक के बीच में रखेंगे तो बेटर रहेगा। तो ऐसे करके ये जोड़ की अवधारणा के लिए एक छोटा सा एक और दो के लिए मैंने बनाया था, तो इससे उनको जोड़ की अवधारणा समझने में, बोर्ड पे पढ़ना और साथ में ये करने में थोड़ा सा हेल्पिंग हो जाएगा। फिर एक और हम लोगों के पास एक कार्ड आए थे, ये कार्ड आए थे आपको याद होगा, एक से कई नंबर साइज 50 या 100 तक है, तो इसका यूज करते हुए मैंने एक और ये टीएलएम बनाया है। एक बहुत जटिल समस्या है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती वाली, तो इस चीज को फॉलो करते हुए मैंने ये छोटा सा बनाया है। जैसे हमने एक संख्या बीच में डाल दी समस्यात्मक 9, 9 बीच में डाल दिया, उनसे पूछा जाए भैया इसके पूर्ववर्ती क्या है, तो वो कार्ड ढूंढे और कुछ बच्चों को ज्ञान होगा नहीं होगा तो आप हेल्प कर देंगे और फिर पूर्ववर्ती संख्या 8 यहाँ डाल देंगे और उसकी अनुवर्ती संख्या आप ले रहे हैं तो 9 के बाद 10 ले लीजिए, 10 अभी अवेलेबल मेरे पास यहाँ नहीं है लेकिन आप 10 यहाँ पे डाल देंगे। कहने का यह अर्थ है कि 1, 2, 3 और 4 यहाँ तक कि 5 के लिए भी जो बड़ी संख्या है आपके दहाई इकाई सैकड़े ऐसे कार्ड बना करके सैकड़े तक के हजार तक के ऐसे कार्ड बना के आप पूर्ववर्ती अनुवर्ती संख्या बड़ी आसानी से उनको समझा सकते हैं। तो ये छोटे 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 रियल्स मैंने बनाए थे और यही चाहूंगी कि शिक्षा जो हम लोग निपुण बच्चों को करना चाह रहे हैं धीरे धीरे बेहतर होती जाए और इसके लिए हम छोटे छोटे प्रयास कर ही रहे हैं और शिक्षा संकुल होने के नाते भी मैं आप सभी को और अपने आप को भी प्रोत्साहित करना चाहूंगी कि किसी न किसी तरह से हम बच्चों को उस मोटे उस निपुणता तक ले जाए जहाँ हम जाना चाहते हैं, जहाँ हमारे सर ले जाना चाहते हैं, जहाँ हमारे डिपार्टमेंट ले जाना चाहता है। ये छोटा सा प्रयास था। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही शानदार प्रेजेंटेशन।